बड़ा पाव बनाने के लिए दो बेसिक चीजें, एक तो बड़ा और दूसरा बड़ा पाव मसाला। तो फ्रेंड्स इन दोनों को अगर आपने जान लिया तो आपने सब कुछ जान लिया और बड़ा पाव आपके लिए चुटकी वाला बात हो जाएगा, तुरंत बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आज की मेरी आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूले और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फर्स्ट रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक बड़ा सा कटोरा ले लिया। इस कटोरे में मैं रेगुलर चम्मच से यहाँ पर डाल रही हूँ 3 चम्मच चने का बेसन, चना दाल का बेसन डाल रही हूँ। अब क्या करना है कि इसको अच्छा सा घोल बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डालूंगी अजवाइन। तो अजवाइन को मैंने चुटकी में ही रगड़ कर डाल दिया है, तो थोड़ा सा लिया है। इसको क्रिस्पी बनाने के लिए आपको लेना होगा यहाँ पर सरसों तेल, इससे क्रिस्पी हो जाती है इस रेसिपी को जो मैं बनाऊंगी। उसके बाद मैंने डाला एकदम थोड़ा सा मैंने चिली पाउडर डाला, थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर डाला कलर प्यारी सी आने के लिए, और थोड़ा सा पानी डालकर आपको पहले गाढ़ी कंसिस्टेंसी का इस तरह बैटर तैयार कर लेना है। फिर ज़रूरत पड़े तो फिर थोड़ी सी मात्रा में पानी डालें और इसको अच्छे से विस्क करना। मैंने विस्कर का यूज़ किया है, आप यहाँ पर चम्मच से भी इसको मिला सकते हैं। मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी गाढ़ी लग रही है इसलिए मैंने हल्का पानी और डाला है और डालकर इसको मिला लिया है। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आपको इसको लगभग 2-3 मिनट के लिए मिक्स अच्छे से करना होगा ताकि ये बहुत हल्की बैटर हो जाए। अगर आपको तुरंत नहीं बनाना है तो जब बड़ा पाव या फिर बड़ा इस तरह के कोई घोल तैयार करे तो उसको मिलाकर लगभग 5 मिनट के लिए आराम से उसको रेस्ट होने दें। उसका क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है, नमक मैंने पहले नहीं डाला था, मिक्स करके अब इसको मैं 5 मिनट के लिए आराम से रेस्ट दूंगी। ठीक है, 5 मिनट बाद यहाँ पर थोड़ी छोटे छोटे बुलबुले आ जाते हैं जो मैं दिखाना भूल गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बाउल में तो छोटे छोटे बुलबुले से नजर आएंगे, मतलब ये बेसन जो है बहुत अच्छी तरह से फूल जाती है और उसमें थोड़ा सा झाग झाग जैसा हो जाता है। तो उस स्टेज तक आपको अच्छे से बेसन को फूलने के लिए छोड़ना है। फिर इसको पकाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए रेसिपी को, आपको क्या करना है कि आपको फिर से इसको मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैं 5 उंगली डुबा रही हूँ और इसको उठा रही हूँ तो इस तरह से एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की ये अच्छी से घोल होनी चाहिए तैयार। वैसे मेरी ये घोल परफेक्ट तैयार हो गई है, मैं उस स्टेज पर भी बना सकती हूँ लेकिन मैं कुछ और भी काम कर लेती हूँ तब तक वो और फूलेगी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है उबले हुए आलू और उबले हुए आलू को मैंने यहाँ पर ग्रेट करके लिया है। आप इसको मैश करके भी ले सकते हैं लेकिन मैश करने में आपको इसमें कोई ढेला वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से ये आलू मैश होने चाहिए तभी आपके बड़े जो हैं बहुत ही अच्छे प्यारे सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। एकदम स्मूथ कर लेना है इसको अच्छे से मिलाने के बाद। तो यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया। अब मैंने ले लिया पैन, पैन में मैं डालूंगी बिल्कुल दम छोटे चम्मच से 2 चम्मच यहाँ पर डाल रही हूँ मैं रिफाइंड। अब इसको मैंने फ्लेम को मीडियम अभी रखा हुआ था, पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म करने के बाद फ्लेम को मैंने लो करके तब मैंने तेल डाला है। अब यहाँ पर मैं एक खास चीज़ बताऊंगी, यहाँ पर आपको डालना है राई। राई अगर ना हो तभी आप सरसों डालें, अगर राई अवेलेबल हो तो आप राई ही डालें 1/2 चम्मच के लगभग, और 2 चुटकी के बराबर यहाँ पर हींग डालकर इसको आराम से थोड़ा सा लो फ्लेम पर पकने दें। इसी बीच आपको 2 हरी मिर्च डाल देना है, हरी मिर्च की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ मैंने 12 से 15 कड़ी पत्ता लिया, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है बड़ा में, तो ज़रूर डालें। अगर आपको बहुत पसंद ना हो तो थोड़ा ही डालें लेकिन ज़रूर डालें। अब इसको लो फ्लेम पर ही अच्छे से मैंने मिला लिया है सभी चीज़ों को। इसी बीच में डाल दूंगी हल्के मसाले, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है, बस 1/2 चम्मच तीखा वाला मैंने लाल मिर्च डाला है। अगर आप तीखा नहीं खाना चाहते तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, थोड़ी सी पानी डाल देती हूँ और इसको मैं मिलाकर अच्छे से पकाऊंगी। और अब इसे तब तक पकाऊंगी जब तक इसकी तेल सेपरेट ना हो जाए तब तक, और मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स हल्के टाइम पकाने के बाद आप देख सकते हैं तेल जहाँ कहीं कहीं पर नज़र आ रहे हैं। इस स्टेज पर जो आलू को मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था उसे मैंने इसमें डाल दिया। अभी फ्लेम को मैंने लो रखा है और इसे कंटिन्यू मैं चलाऊंगी, चलाकर अच्छी तरह से मसाले के साथ आलू को आपको अच्छे से मिला लेना है। कुछ लोग इसमें धनिया पाउडर, कुछ लोग अमचूर पाउडर डालते हैं, तो स्वाद अपने अनुसार होता है हर इंसान का। तो मेरा ये तरीका है बनाने का जिस तरह से मैं बनाती हूँ। इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैंने बहुत ही बारीक कट किया हुआ लिया है धनिया पत्ती। धनिया पत्ती मैंने अच्छी खासी क्वान्टिटी में ली है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सादा नमक मैंने लिया। मैं सादा नमक और सेंधा नमक दोनों यूज़ करती हूँ, तो कभी ये कभी वो डालती रहती हूँ। तो अभी मैंने सादा नमक डाला है आलू के टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि मैंने वहाँ बैटर में भी नमक डाला है। उसी तरह से अभी मैं आलू में केवल आलू के अनुसार ही मैं नमक डाल रही हूँ। डालकर मैंने सबको अच्छे से मिला दिया है। अब इसे मैं कर देती हूँ हल्के टाइम के लिए साइड और इसे ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं इसका घोल तैयार कर लेती हूँ। तो इसका घोल बनाने के लिए भी बहुत
प्यार से बनाना है, एकदम ध्यान से। तो जो मैंने पहले गोल तैयार किया था वो दूसरी चीज के लिए मैंने गोल तैयार किया, और ये जो गोल मैं तैयार कर रही हूँ ये बड़े के लिए कर रही हूँ, तो इसे बहुत ही प्यार से बनाना है, ध्यान से बनाना, ताकि उसकी कोटिंग बहुत ही प्यारी सी हो। तो मैंने यहाँ पर 4 चम्मच ले लिया चना दाल का बेसन, क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा कर आप ले सकते हैं, लेकिन इस तरह का बैटर आपको तैयार करना है कि एकदम बहुत ही प्यारी सी पतली सी कोटिंग उसकी हो जाए। तो मैंने यहाँ पर चना दाल डाल दिया, अब इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच के लगभग अजवाइन, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, प्लस पचाने में भी ये बहुत ही अच्छा होता है। तो बस दोनों हाथों पर मल कर अजवाइन को डाले, फ्लेवर बहुत अच्छा उभर कर आता है। और साथ ही इसमें मैं डाल दे रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर मैंने सेंधा नमक डाला है, तो दोनों डब्बा मैं रखी रहती हूँ, जब जो मन करता है वो डाल देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, अब इस बैटर को चटपटा बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाला है, तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। डालकर सभी चीजों को मिलाना है, लेकिन उसके पहले आपको एक चीज डालना है, सरसों तेल। रेगुलर चम्मच से 1 चम्मच आपको भर के डालना है सरसों तेल, इससे आपका जो बैटर है बहुत अच्छा क्रिस्पी होता है। बहुत प्यारी सी टिप है फ्रेंड्स, आप भी याद रखें, मैंने भी 1-2 बारी ट्राई करने के बाद ट्रिक को फॉलो करना शुरू किया, मैंने भी रेसिपी में देखा था, उसके बाद से मैं बनाना शुरू की हूँ, और इससे बहुत ही प्यारा सा क्रिस्पी बना जाता है, तो आप जरूर डालें। उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर बैटर पहले गाढ़ा बनाना है, जब अच्छे से बेसन मिल जाए उसके बाद कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग पतली गाढ़ी कर लें। अब क्या करना है कि यहाँ पर इस बड़े को, इस घोल को अच्छे से मिक्स करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है, जब भी आप बेसन का घोल तैयार करें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। समय है तो लगभग 1/2 से 1 मिनट के लिए इसको फेंट कर ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कंसिस्टेंसी देखिए, ये भी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी की ही मैंने रखी है, वो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरी बैटर तैयार हो गई है, अब मैं इसको लगभग पूरे 10 मिनट का रेस्ट दूंगी, और इसका मैं दिखाऊंगी कि कैसा कंडीशन पर मैं बनाना शुरू कर रही हूँ। तो मैंने इसको ढक दिया है, मैं इसको 10 अब इसको मैं 10 मिनट का रेस्ट दूंगी। तब तक मैंने यहाँ कढ़ाई में रिफाइंड को गर्म किया हुआ था, यहाँ पर मैंने लिया है लगभग 10-12 पीस लहसुन, जिसमें मैंने हल्का हल्का होल बना दिया है स्ट्रिक से, जो टूथपिक होती है ना उससे मैंने होल बना दिया है, ताकि जब ये तेल में जाएंगे तो साबुत होने पर ये फट के उड़ सकते हैं, छींटे पड़ सकते हैं, तो आपको उसको या तो थोड़ा सा कट कर देना है, या तो उसके छिलके हटा देने हैं, या फिर उसको हल्का सा होल बना बनाकर, जिस तरह हम लोग अंडा में कैसे होल बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से होल बनाकर तब तेल में डालें, तो ये उड़ेंगे नहीं, अच्छे से भुन जाएंगे। तो मैंने यहाँ लहसुन को डाल दिया है छिलके के साथ ही, और इसे मैं इस तब तक तलूंगी जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। तो पहले मैंने डायरेक्ट कढ़ाई में डाला था, लेकिन मुझे लगा कि उससे आसान तरीका आपको दिखाना ये होगा, और मेरे लिए भी आसान हो जाता है। तो इस तरह से आपको चला कर तेल अंदर में दिख ही रही है, और इसमें चला कर आप अच्छे से इस लहसुन को भून सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर लहसुन को गोल्डन कलर आने तक भुना है, अच्छे से पक गई है। अब मैंने इसे निकाल लिया एक बर्तन में, सभी चीज़ों को भूनते जाना है और एक बर्तन में निकालते जाना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है लगभग जिस चम्मच से मैंने बेसन लिया था उसी चम्मच से मैंने यहाँ पर 4 चम्मच भर के मूँगफली लिया है, मुट्ठी से 1 मुट्ठी है। इसे भी मैंने फ्लेम को अभी मीडियम रखा हुआ है, और कंटिन्यू इसे चलाते हुए भूनूंगी। हल्की सी जब इसकी कलर गोल्डन हो जाएगी, हल्का सा सोनापन आने लगेगा, तब मैं इसे निकालूंगी और निकाल कर उसी प्लेट में रख दूंगी। छन्ने से इस तरह से भूनना बहुत आसान होता है, और इसे निकालने में भी बहुत ही आसान होता है। तो इस ये प्रोसेस मुझे बहुत पसंद आता है फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर फॉलो करें। यहाँ देखिए मूँगफली जैसे भुन गई है, हल्का मैंने तेल को उछाल कर इस तरह से टपका लिया है और उसी प्लेट में डाल दिया। अब तीसरा चीज, पहले मैंने छोटे कटोरे में घोल को तैयार किया था, उसे मैं फिर से मिला लिया है, और मिला कर देखिए पांचों उंगली घी में कैसे करते हैं, तो मेरी पांचों उंगलियां बेसन में थी, और इस तरह से लेकर जब आप इसे गर्मा गर्म रिफाइंड में डालेंगे तो छोटी छोटी बूंदियाँ बन जाती है, बहुत अच्छे से बूंदियाँ बनती है, आप इसे ट्राई कीजिए, काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे बनाने में। तो इस तरह से फ्लेम को फिर लो कर देना है, और अच्छे से बूंदियों को डालने के बाद हल्के टाइम के लिए उसको हल्का गोल्डन कलर आने देना है, पलट कर इसको अच्छे से सेक लेना है, मतलब तल लेना है, और तलने के बाद लाइट गोल्डन कलर जब इसका हो जाए तो निकाल लेना है। छोटी छोटी बूंदियां हैं तो ये बहुत ही जल्दी मतलब पक जाती हैं, और इसे बहुत जल्दी निकाल भी लेना, नहीं तो जल जाती हैं। तो बस ध्यान से इसको पकाना है और पका के इसको निकाल लेना है। फिर इसको इसी तरह से और भी जो मैंने घोल बचा कर रखा हुआ था उसी सेम प्रोसेस से उसी तरह से करूंगी। तो यहाँ मैंने तो 3 बैच में मैंने पूरे बूंदियों को अच्छे से फ्राई कर लिया था, और यहाँ मैंने सबको इकट्ठा कर लिया है। मैंने सभी चीज़ों को जो तला था उसे मैंने इस प्लेट में डाल लिया था, और इसे मैं ठंडा होने देने के बाद फिर से मैंने लिया है मिक्सर, और मिक्सर में डालकर मैं इसका दरदरा सा पाउडर तैयार करूँगी। बहुत ही यम्मी है पाउडर लगती है, तो सही बात है मुंबई की फेमस जो कहती है, या फिर दिल्ली का जो बड़ा पाव आजकल फेमस हो रहा है इस मसाले के कारण, और इसकी खास चटनी जो है उसको तो क्या बोलूँ। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों में मैंने क्या किया कि थोड़ा सा डाल दिया तीखी वाली लाल मिर्च 1/2 चम्मच के लगभग, और साथ ही मैंने डाल दिया है प्यारा सा कलर आने के लिए मैंने देगी मिर्च डाल दिया है लगभग 1 चम्मच। इसको मैंने 1 बारी चला दी है,
अब मैं इसमें डालूंगी हल्का सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है क्योंकि सभी चीज़ों में नमक नमक जाएगा तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें आपको हल्का ही नमक डालना है, लेकिन ऐसा नहीं कि फीका लगे, बस मीडियम सा हल्का नमक डालना है। डालकर अब इसको आपको चलाना है और यहाँ देखिए एकदम छोटे छोटे फाइन से दरदरे से पाउडर बनकर तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पर बड़ा पाव का पाउडर बनकर मसाला बनकर तैयार हो गया है, जो बेस्ट मसाला होता है वो। तो इस तरह से आप मसाला तैयार कीजिए, काफ़ी आसान है बनाना। और अब इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए सेकंड रेसिपी की तरफ चली जाए। तो मैंने जो घोल को मिलाकर छोड़ा हुआ था, रेस्ट दिया था इसको, देखिए इसमें छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं, शायद दिख नहीं रहे हैं, तो इसमें एकदम छोटे छोटे बुलबुले आ जाते हैं कुछ टाइम छोड़ने के बाद। उसके बाद क्या करना है कि आपको हल्का सा मिला लेना है फिर से, ये फूल जाने के कारण इसमें थोड़े बुलबुले आ जाते हैं, तो हल्का फिर से मिला लेना है। मिलाने के बाद फिर से बैटर मेरी अच्छी सी नॉर्मल हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और भी। तो बस फिर से इसको हल्का सा आधा मिनट के लिए इसको मिला लेना है, मिलाकर इसको कर देना है साइड। अब मैंने जो भुना हुआ आलू रखा हुआ था उसको मैंने छोटे डब्बे में निकाल लिया है, अब मैं इसके बॉल्स बनाऊंगी। तो बॉल्स अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी रख सकते हैं, जितने बड़े पाव में आप डालना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने तो थोड़ी सी अच्छी साइज की रखी है, इसमें बड़ा पाव में जो बॉल्स जाता है वो चपटा भी होता है, गोल भी होता है, तो जिस तरह से छोटे बड़े आपको बॉल बनाने उस तरह से बॉल्स तैयार कर ले। तो मैंने यहाँ पर 6 पाव तैयार करने हैं, तो मैंने 6 बॉल्स ही लिया और यहाँ देखिए घोल में मैं कोटिंग कर रही हूँ, तो घोल की कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है। और देखिए बॉल्स को मैं जब इसमें मैं डिप कर रही हूँ, मैंने वीडियो को स्लो कर दिया ताकि आप अच्छे से देख पाएँ, अच्छी तरह से एक बहुत ही प्यारी सी कोटिंग हो गई। आप इसको फॉर्क से भी डिप करके निकाल के तेल में डाल सकते हैं, उससे भी आसानी होती है। और यहाँ पर तेल का टेम्परेचर बहुत अच्छा मीडियम सा गर्म होना चाहिए, अगर थोड़ा सा कच्चा तेल रहेगा तो जाके तले में चिपक जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको तेल का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा रखना है ताकि जब ये तेल में जाए, क्योंकि मैंने इसकी लेयर बहुत ही पतली रखी है तो बहुत ही जल्दी ये क्रिस्पी हो जाएगी। तो मैंने सरसों तेल जो डाला उसके कारण क्रिस्पी होती है। बहुत सारे लोग इसमें चावल का आटा भी डाल सकते हैं, वो भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर बेकिंग सोडा डालते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा से क्या होता है ना कि कलर इसका रेड हो जाता है, जो येलो आपको बड़े दिख रहे हैं इसका कलर रेड हो जाएगा, वो कलर मुझे पसंद नहीं है, तो मैं नहीं डालती हूँ ना बेकिंग सोडा डालती हूँ। और चावल के आटे के कारण भी कलर थोड़ा सा रेड हो जाता है, हल्का तो होता है बैटर, लेकिन मैंने इसको ऑलरेडी इसको हल्का कर लिया तो उसमें बेकिंग सोडा डालने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर मेरी प्यारी सी बड़ा बनकर तैयार हो गई। तो फ्रेंड्स बड़े का कलर देख सकते हैं, कितनी प्यारी पतली सी लेयर है, सो आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लेयर्स दिखेंगी। और बॉल्स का साइज मैंने बहुत ही परफेक्ट रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ा पाव मसाला, बड़ा पाव किस तरह से बनता है उसको आप बनाकर आप ट्राई कीजिए, काफ़ी टेस्टी बनती है। बहुत सारे तरीके आपने देखेंगे, एक और मेरे तरीकों को ट्राई जरूर कीजिए। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और इसी गर्मा गर्म तेल में थोड़े से मिर्च को स्लाइस में कट करके उसमें फ्राई कर लीजिए। तो इन सभी चीज़ों के कारण मैंने तुरंत अभी चटनी की रेसिपी शेयर की थी जो मैं बड़ा पाव में यूज करती हूँ, तुरंत ही मैंने डाला था। आप मेरे चैनल में जाकर इस चटनी को देखिए, काफ़ी टेस्टी बनती है और इसका कॉम्बिनेशन जो बड़ा पाव के साथ है बहुत ही यम्मी है, तो जरूर देखें और ट्राई जरूर करें। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी, बड़ा पाव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बनाइए मेरी तरह और खाइए खिलाइए बहवाई पाइए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले। और ट्राई करने के बाद प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दीजिए फ्रेंड्स, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, आपका एक कमेंट्स मुझे बहुत पुश करता है नए वीडियोज़ डालने के लिए, तो कमेंट्स जरूर करें। फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी दोस्तों।